हेलो एस्पायरेंट्स, 1 सितंबर की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है जीडीपी ग्रोथ बोर्ड्स स्लो ट्रेन एट 5.7%। सो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर के हर क्वार्टर में, मतलब 12 महीने के 4 हिस्से किए जाते हैं, 3 दिन महीने के, तो वो चारों जो क्वार्टर्स बोले जाते हैं उन सब में से जो लास्ट क्वार्टर हुआ है, मतलब अप्रैल टू जून 2017, उसमें इंडिया का जीडीपी ग्रोथ सबसे कम रहा है फ्रॉम द टाइम एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई। तो ये जीडीपी ग्रोथ लास्ट क्वार्टर का 5.7% बताया जा रहा है, मतलब अप्रैल टू जून 2017। तो इसका रीजन जो दिया जा रहा है वो ये है, एक तो स्टेडी डिक्लाइन हो ही रहा है 2016-17 से, जो हर क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ है, प्लस जो रीसेंट जो डिक्लाइन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट करने की वजह से जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक्स रखे जाते हैं, जो कंपनीज वगैरह जो शॉप्स अपनी इन्वेंट्री रखती है वो उन्होंने पूरा खाली कर दिया है फॉर्म्स ने, इसलिए क्योंकि जीएसटी के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पुराने स्टॉक पे मिलेगा या नहीं इसके ऊपर अनसर्टेनिटी थी, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना पूरा स्टॉक वो निकाल दिया था। तो ये एक मेन रीजन हुआ है जिस वजह से इंडस्ट्री स्लो डाउन हुआ है। इसके अलावा इवन डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी जो स्लो डाउन हुआ है, ये दो रीजंस दिए जा रहे हैं जिस वजह से जो जीडीपी है वो ग्रोथ कम हुई है, और इवन ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ जो है इकोनॉमी की वो भी बहुत कम पेस पे ग्रो हो रही है। तो उसका डिटेल यहाँ दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। December 2015 क्वार्टर से जो इंक्रीज हुआ मार्च 2016 में, उसके बाद जो डिक्लाइन है, तो उसके अब जो लास्ट क्वार्टर हुआ है अप्रैल टू जून, तो उसमें 5.7% रहा है। तो वही है, ये रीजन है इसका, डीमोनेटाइजेशन एंड प्री जीएसटी इफेक्ट, और इवन ट्रेड डेफिसिट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है जिस वजह से जीडीपी ग्रोथ कम हुई है। फिर ये है ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ये एक टर्म होता है जीडीपी, आपको पता होना चाहिए जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चर होती है, प्रोड्यूस होती है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ईयर। तो एक साल में जितना भी गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको जीडीपी कहते हैं, और जीवी है, जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये जीडीपी से डिराइव किया जाता है, मींस टैक्सेस इसमें से डिडक्ट किया जाता है और सब्सिडीज ऐड की जाती है, मतलब कि वैल्यू एडिशन जो हुआ है, जो उसमें वैल्यू है वही, मतलब जो टैक्सेस है वो तो एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे, और सब्सिडीज जो है वो डिडक्ट की जाती है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो सारा जो है वो उसको बैलेंस करते हैं, मतलब जीडीपी में से टैक्सेस डिडक्ट करके और सब्सिडीज ऐड करके, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो मिलता है वो जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। और दो टर्म्स होते हैं नॉमिनल और रियल। तो नॉमिनल वैल्यू होती है नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल जीवीए, नॉमिनल मतलब करंट प्राइसेस पे, जो फिलहाल प्राइसेस है उस पे कैसा वैल्यू है, तो वो जो है इसमें इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन नहीं होता, मतलब करंट प्राइसेस पे ही वो दिया जाता है कैलकुलेशन। और रियल जो है, रियल जीडीपी या रियल जीवीए, ये कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे होता है, तो कम्पेयर टू अ फिक्स्ड ईयर, तो अगर इन्फ्लेशन की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो ये रियल जीवीए कहा जाता है इसको। और ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन एक्सप्लेन किया गया है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, तो वही है। फिर अगला न्यूज आइटम है पीएसएलवी मिशन फेल्स एंड्स ड्रीम रन ऑफ 39 लॉन्चेस। तो ये पीएसएलवी C39 के बारे में है। ये पीएसएलवी मिशन जो है इसको यूज किया गया टू लॉन्च द नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1H, इसको हम कई टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, ये नाविक जो 7 कॉन्स्टिलेशंस है हमारा रीजनल जीपीएस के लिए, तो उसके लिए हमने IRNSS-1A में हमने देखा था कि सारे रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स जो है वो फेल हुए थे, तो वो रिप्लेसमेंट सैटेलाइट उसके लिए चाहिए थी, तो ये IRNSS-1H उसकी रिप्लेसमेंट सैटेलाइट थी, पर ये लॉन्च फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे जो हीट शील्ड से इसको जो स्पेसक्राफ्ट को निकलना होता है वो हुआ नहीं, हीट शील्ड सेपरेट हुई नहीं और स्पेसक्राफ्ट स्टक हो गया उसमें, और इस वजह से ये लॉन्च फेल हो गया। तो पीएसएलवी एक्चुअली वर्कहॉर्स कहा जाता है इसरो की, और इसने 39 कॉन्सिक्यूटिवली सारे सक्सेसफुल लॉन्चेस दिए, काफी सारे नेशनल और इवन फॉरेन सैटेलाइट हमने लॉन्च किए पीएसएलवी के थ्रू, लेकिन ये जो लॉन्च है ये फेल हो गई, तो ये एक मेजर सेटबैक है।
यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, अराउंड 48 इंडियन सैटेलाइट्स, 209 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च की गई। चंद्रयान 1 भी पीएसएलवी के थ्रू ही लॉन्च किया गया था। इवन मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 का ये भी पीएसएलवी के थ्रू ही लॉन्च हुआ। फिर अगला है मेडिकल बोर्ड्स प्रपोज टू हियर अबॉर्शन प्ली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इन्फॉर्म किया है कि उनको कोर्ट का सजेशन इम्प्लीमेंट करना है कि वो एक परमानेंट मेडिकल बोर्ड अपॉइंट करें। तो ये परमानेंट मेडिकल बोर्ड होगा वुमेन स्पेशली रेप सर्वाइवर्स को इजी मेडिकल केयर एक्सेस देने के लिए और उनका जो अबॉर्शन रिक्वेस्ट है उसको कंसिडर करने के लिए, क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है 1971 का, इस एक्ट के अंदर जो है अबॉर्शन अलाउ किया गया है अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर 20 वीक्स से बियॉन्ड हो जाता है तो काफी सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं। इवन अप टू 20 वीक्स पर्टिकुलर केस रीजंस है जिन पर्टिकुलर केसेस है जिनमें ये अलाउ किया जाता है अबॉर्शन। तो अगर वो एक्सीड हो जाता है तो उसके बाद अबॉर्शन जो है वो केस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो वो मेडिकल बोर्ड्स की राय लेते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए और उनके बेसिस के जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उनके बेसिस उनके व्यू पॉइंट्स के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देते हैं। तो इसलिए अगर ये मेडिकल बोर्ड जो है हर केस में, काफी सारे ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं और हर केस के लिए उनको फिर ये मेडिकल बोर्ड बनाना अपॉइंट करना पड़ता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में ये सजेस्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक परमानेंट मेडिकल बोर्ड ही बनाया जाए जो ये केसेस डिसाइड कर सके। तो इससे रेप सर्वाइवर्स को भी इजी एक्सेस मिलेगा, वो उनकी रिक्वेस्ट जो है अबॉर्शन की वो कंसीडर की जा सके। तो ये पर्टिकुलर केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया, वो एक 10 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट रेप सर्वाइवर का केस था जिनको अबॉर्शन डिनाई किया गया क्योंकि उनका प्रेगनेंसी 20 वीक मार्क क्रॉस कर चुका था, तो इसीलिए उनको अबॉर्शन डिनाई किया गया। तो ऐसे केसेस ना हो क्योंकि डिलेज भी होते हैं जिस वजह से फिर उनको अबॉर्शन नहीं परमिट किया जाता, तो इसलिए ये सजेशन किया गया दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू और सेंट्रल गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट कर रही है। यहाँ पे रीजंस दिए गए हैं, तो अगर बच्चे का या माँ के फिजिकल मेंटल हेल्थ को इससे अफेक्ट होगा अगर प्रेगनेंसी में तो वो अबॉर्शन अलाउ किया जाता है उन केसेस में। कोई पोटेंशियल डिसेबिलिटी मालफॉर्म्ड चाइल्ड है तो इन केसेस में अलाउ किया जाता है। रेप विक्टिम्स के लिए अलाउ किया जाता है। अगर स्टेरिलाइजेशन फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी हुई है तो उन केसेस में भी अलाउ किया जाता है। अगर गर्ल माइनर या अनमैरिड है तो फिर गार्डियन का कंसेंट लिया जाता है। तो ये सारे केसेस है, इवन मेंटली इल वुमेन के लिए भी अलाउ किया जाता है अबॉर्शन, लेकिन अब अंडर 20 वीक्स में। लेकिन और एक पर्टिकुलर केस जो सामने आया है वो ये है कि 22 to 24 वीक्स के बीच में फिलहाल जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उस वजह से अगर वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, ब्रेन या किडनीज में कोई अबनॉर्मलिटीज होती है फीटस की तो वो इस पीरियड में डिटेक्ट की जा सकती है, लेकिन इंडियन लॉज के हिसाब से अबॉर्शन सिर्फ 20 वीक्स तक ही हो सकता है। तो इसीलिए एक सजेशन ये भी है कि लॉ को अमेंड करना चाहिए और इसको एक्सटेंड करना चाहिए। सम सजेशंस आर इवन कि अप टू 28 वीक्स इसको एक्सटेंड करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए अबॉर्शन। फिर अगला है नेशन वाइड प्रोग्राम टू टेस्ट ऑल टीबी पेशेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब अनाउंस किया है कि वह नई पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं, यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो इस टेस्ट के इस प्रोविजन के अंदर अब ये जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है टीबी के लिए, जीन एक्सपर्ट यूएस डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल टूल है, इसको यूज किया जाएगा। तो ये वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है सिंस 2010। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकमेंड भी किया है। इवन इंडिया में भी अराउंड 600 जीन एक्सपर्ट डिवाइसेज अवेलेबल है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक है। तो ये हिसाब से यहाँ पे ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड किट अब यूज किया जाए ताकि अगर टीबी जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग से रेजिस्टेंस भी है, अगर मतलब जो रिफैम्पिसिन ड्रग होता है उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो वो फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है, तो ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी डिटेक्ट कर सकता है विद इन 90 मिनट्स। तो इसको अब यूज किया जाएगा, ये प्रपोजल है कि ये मंथ में ये पॉलिसी लॉन्च की जाएगी, यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। इंडिया में जो टीबी केसेस है वो सबसे ज्यादा है, टॉप
करती है इंडिया एंड द वर्ल्ड इन नंबर ऑफ टीबी केसेस और काफी सारे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस भी है इवन को इन्फेक्शन केसेस होते हैं टीबी एचआईवी को इन्फेक्शन केसेस इसीलिए इसको टैकल करने के लिए पहले डायग्नोस्टिक टूल्स इन प्लेस होने चाहिए तो ये स्टेप लिया जा रहा है और एक चीज ये है कि ये जीन एक्सपर्ट जो डिवाइस है इसको यूज करने के लिए एक तो एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती है ये इंपोर्ट किया जाएगा यूएस से तो ये कॉस्टली भी होगा प्लस इवन इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हर डिस्ट्रिक्ट में रिलायबल नहीं होती तो इस वजह से इसका फंक्शनिंग भी अफेक्ट होगा तो इसीलिए जीन एक्सपर्ट के थोड़े ड्रॉबैक्स भी है इसीलिए आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नया एक ऑल्टरनेटिव बनाया जीन एक्सपर्ट को रिप्लेस करते हुए ट्रूनेट एमटीबी तो ये है ये ज्यादा पोर्टेबल है बैटरी ऑपरेटेड है और लोअर कॉस्ट पे ये परफॉर्म कर सकता है तो ये भी एक टूल अवेलेबल है ये पता होना चाहिए ट्रूनेट एमटीबी बाय आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तो ये जीन एक्सपर्ट के बारे में दिया गया है कैसे ये क्विक डायग्नोसिस कर सकता है ऑफ टीबी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को इन्फेक्शंस एक्सेट्रा फिर अगला है नो इमीडिएट एंड टू सहायक सिस्टम तो ये सहायक सिस्टम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में है आर्मी में तो ये सहायक सिस्टम के अंदर जो आर्मी जवान होते हैं उनको ऑफिशियल्स को अलॉट किया जाता है आर्मी ऑफिशियल्स को ताकि वो उनको सहारा दे सके सहायक उनके सहायक रहते तो एक्चुअली इनका जो काम है वो डोमेस्टिक हेल्प जैसे काम भी इनसे करवाए जाते हैं तो इसीलिए सिस्टम को हाईली क्रिटिसाइज किया गया है रिसेंटली काफी सारे वीडियो सोशल मीडिया में आए थे जो वायरल हो गए थे जो ये सोल्जर्स ने बनाए थे तो ये कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं लेकिन इनको सहायक की तरह वर्क करना पड़ता है तो इसीलिए ये एक इशू है लेकिन गवर्नमेंट ने और आर्मी ने दोनों ने इसको स्ट्रॉन्गली डिफेंड किया है आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत इसको डिफेंड करते हैं कहते हैं ये जरूरी है इसको एस्पिरेंट कॉर्प्स डेवलप करने का एक तरीका माना जाता है कि ऑफिशियल और जवान के बीच में एक रिलेशन ऐसे डेवलप हो पर इसको मिसयूज किया जाता है और उनके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल एवेन्यूज नहीं है इसीलिए ग्रीवेंस बॉक्स सेटअप करने का एक सजेशन आया था फ्रॉम आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत लेकिन इसको वो सपोर्ट करते हैं हालांकि ये कॉलोनियल लेगेसी है ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसको डेवलप एस्टैब्लिश किया गया था और ये अब तक कंटिन्यू हो रहा है नेवी और एयरफोर्स में ये नहीं है इवन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस 2010 में इन्होंने रिकमेंड किया था कि आर्मी भी नेवी और एयरफोर्स की तरह सहायक सिस्टम को ये कॉलोनियल लेगेसी को अबॉलिश करे पर अब तक कोई ऐसे स्टेप्स स्ट्रॉन्गली लिए नहीं गए हैं अब तक ये कंटिन्यू करता है 30,000 सोल्जर्स अभी भी सहायक की तरह यूज किए जाते हैं ऑर्डरलीज भी कहे जाते हैं तो ये इवन एक कमेटी एस्टैब्लिश की गई थी लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखर के चेयरमैनशिप में इन्होंने काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए लेकिन सहायक सिस्टम के ऊपर कोई रिकमेंडेशन नहीं आया इवन ये भी एक सजेशन आया था कि डोमेस्टिक वर्कर्स सिविलियंस को यूज किया जाए उनको एम्प्लॉय किया जाए अगर सहायक की जरूरत है तो ये कॉम्बैट सोल्जर्स को इसमें क्यों यूज किया जाता है लेकिन अभी भी सहायक सिस्टम कंटिन्यू कर फिर अगला है इंडिया थैंक्स स्विट्जरलैंड फॉर सपोर्ट इन ग्लोबल फोरम तो ये स्विट्जरलैंड ने जो इंडिया को सपोर्ट किया है एट फॉर मेंबरशिप इन एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इवन एनएसजी मेंबरशिप के लिए भी स्विट्जरलैंड हमको सपोर्ट करती है इवन उन्होंने कहा है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ऑफ असिनार अरेंजमेंट के अंदर मेंबरशिप पाने के लिए भी वो हमको सपोर्ट करेगी तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं एमटीसीआर की एक ऑर्गेनाइज एक ग्रुपिंग है कंट्रोल लिस्ट है जिसके अंदर हमको मेंबरशिप मिली है इसके अलावा जो अदर एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स है उसमें हमारी मेंबरशिप नहीं है तो अगर इनमें मेंबरशिप होगी तो हम इसमें एक्सपोर्ट्स इनमें हम डील कर सकते हैं तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है तो ये चारों के क्या फंक्शन है यहाँ पे दिए गए हैं चारों एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स इसमें से सिर्फ एमटीसीआर की मेंबरशिप 2016 में इंडिया को मिली है तो ये है एमटीसीआर है फॉर अनमैन डिलीवरी सिस्टम्स मतलब मिसाइल्स जो है जो वेपन्स डेवलप डिलीवर कर सकते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो उनको एक्सपोर्ट कंट्रोल करने के लिए है एमटीसीआर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए वासिना अरेंजमेंट है कन्वेंशनल आर्म्स और डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज के लिए और एनएसजी जिसके लिए हम काफी कोशिश कर रहे हैं मेंबरशिप के लिए वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपोर्ट कंट्रोल कर तो ये हर एक का डिटेल दिया गया है एमटीसीआर इसकी मेंबरशिप हमको मिल गई तो ये मिसाइल्स एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करने के लिए है अगर वो 500 केजी पेलोड्स
इससे या ज्यादा या तो एटलीस्ट 300 किलोमीटर की रेंज में हो तो उनके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल रेजिम है। लेकिन अगर मेंबर है तो वो आप कंडीशंस के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए मेंबरशिप हम चाहते हैं यहाँ पे। इवन एनएसजी जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कंट्रोल करने के लिए, और इसके 48 मेंबर्स हैं। और एनएसजी मेंबरशिप पाने के लिए हर एक मेंबर अग्री करना चाहिए, जरूरी है, कंसेंसस जरूरी है। और चाइना भी यहाँ पे एक मेंबर है जो इंडिया की मेंबरशिप को स्ट्रांगली अपोज करते हैं, इवन वो लिंक करते हैं कि अगर इंडिया मेंबर बने तो पाकिस्तान भी मेंबर बने, तो इसीलिए यहाँ पे हमको मेंबरशिप अब तक नहीं मिली। फिर वासेनार अरेंजमेंट है, तो आर्म्स और डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज के लिए है, इसकी मेंबरशिप हमने नहीं एक्सेस की है। और इवन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। और ये एमटीसीआर के बारे में कि कैसे हमको ये मेंबरशिप 2016 में मिली है, तो उसका पूरा टाइमलाइन दिया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है डीमोनेटाइजेशन बिगेस्ट स्कैम। तो ये कांग्रेस ने डीमोनेटाइजेशन को बिगेस्ट स्कैम कहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अक्यूज किया है कि उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट्स देके लोगों को मिसलीड किया है। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के ऊपर जो आरबीआई की रिसेंट एनुअल रिपोर्ट में जो डिटेल्स आई है वो कह रहे 99% करेंसी फिर से रिटर्न हो गई है। तो इसका मतलब जो क्लेम्स किए जाते थे कि डीमोनेटाइजेशन होने के बाद जो करेंसी लोगों ने रिटर्न नहीं किए, क्योंकि अब तो 500,000 रुपी नोट सब रिटर्न भी नहीं हो रहे हैं, एक्सचेंज नहीं हो रहे, तो ये जो मनी जिन्होंने गलत तरीके से पैसा अक्यूमुलेट किया था वो इकोनॉमी में अंदर आया ही नहीं, तो वो ब्लैक मनी इरेडिकेट हो गया, ये क्लेम अब फॉल्स हो जाती है क्योंकि ऑलमोस्ट 99% करेंसी वापस आ गई है। तो उसके ऊपर ही वो ये बता रहे हैं डिटेल्स। और जो है 2.25 लाख करोड़ का जितना जो है लॉस हुआ है, तो इसका मतलब इंडिया का 1.5% ऑफ जीडीपी लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। काफी सारे जॉब लॉसेस हुए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, वो सारे इसके इल इफेक्ट्स थे। फिर अगला है पैन आधार लिंक कैन वेट। तो गवर्नमेंट ने पैन आधार लिंकेज के लिए पहले तो 1 जुलाई से मैंडेटरी किया था अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट अमेंडमेंट, फिर इसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया टिल 31st August, और अब इसको एक्सटेंड किया गया है टिल 31st December। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर पुशेस फॉर आरबीआई टू इंक्रीज डिविडेंड। तो ये आरबीआई ने जो हर साल डिविडेंड गवर्नमेंट को देती है, तो 2016-17 के लिए जो डिविडेंड दिया गया है वो है 30,659 करोड़। तो ये एक्चुअली लास्ट ईयर के डिविडेंड का 50% मतलब आधे से भी कम है। लास्ट ईयर था ये 65,876 करोड़। तो ये इसलिए कम है क्योंकि आरबीआई को अभी कॉस्ट ज्यादा हुआ, एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है, क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो नई करेंसी प्रिंट करनी पड़ी तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऐड किया गया इसमें। इवन जो इसको फ्राइट चार्जेस लगते हैं जो ये नोट्स को सारा पहुंचाने के लिए, और इवन हायर प्रोविजन जो कंटिजेंसी फंड के लिए किया गया है फिलहाल, इवन अप्रिसिएशन ऑफ रूपी भी एक रीजन है जिस वजह से आरबीआई का अभी जो सरप्लस है वो कम हो गया है, और इस वजह से जो आरबीआई ने डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया है वो कम हुआ। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि वो उनको उतना ही डिविडेंड दे जितना उन्होंने बजट में इंक्लूड किया, दैट इज अराउंड 58,000 करोड़ डिविडेंड जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये है। फिर अगला है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग फार्म सब्सिडीज मस्ट गो। तो इंडिया और चाइना ने जॉइंट प्रपोजल सबमिट किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि जो डेवलप्ड कंट्री सब्सिडीज देती है, फार्म सब्सिडीज देती है, इनको एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज प्रेशर डालती है ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। तो अब 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एट WTO, तो ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाला है ब्यूनस एयर्स में, अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में, December 2017। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रपोजल दिया गया है बाय इंडिया एंड चाइना। तो वो चाहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज की सब्सिडीज होती है वो एम्बरबॉक्स सब्सिडीज है, एम्बरबॉक्स सपोर्ट, तो इसको एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट भी कहा जाता है। तो इसको वो कह रहे हैं कि इसको पहले एलिमिनेट करना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे 90% जो है उनका, मोर देन 90% एमएस एंटाइटलमेंट्स, ग्लोबल एंटाइटलमेंट्स, ये डेवलप्ड कंट्रीज ही देती है, और डेवलपिंग कंट्रीज के यहाँ पे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होते एएमएस में। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि एएमएस को एलिमिनेट करना चाहिए, एम्बरबॉक्स सब्सिडीज को एलिमिनेट करना चाहिए, rather than putting pressure on developing countries। तो ये सारे boxes जो है WTO के वो detail दिए गए हैं। Green box ये non-trade distorting subsidies होती है। Blue box is minimal distorting।
प्रोडक्शन कंट्रोल किया जाता है टू सम एक्सटेंट, तो मिनिमली डिस्टॉर्टिंग होती है. एम्बर बॉक्स है, ये स्पेसिफिकली ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज होती है जिनके ऊपर कैप होता है. और रेड बॉक्स सब्सिडीज ये अलाउ ही नहीं की जाती, ये स्टॉप करना एकदम. तो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा है जिसके अंदर अग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके तीन पिलर्स है, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन. तो मार्केट एक्सेस के लिए टैरिफ रिड्यूस करना है, टैरिफ कोटा जो है उसको इंक्रीज करना है. और जो ये डोमेस्टिक सपोर्ट है इसके अंदर सारे जो सब्सिडी बॉक्सेस है वो दिए गए. तो एम्बर बॉक्स जो है ये इसको कमिटमेंट्स देने हैं कि इसको रिड्यूस करेंगे. ब्लू बॉक्स ये प्रोडक्शन लिमिटिंग है. और ग्रीन बॉक्स अलाउड है, ये नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज होती है. तो ये बॉक्सेस दिए गए हैं. तो ग्रीन बॉक्स में जो आती है सब्सिडीज, जैसे अगर रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेस्ट या डिजीज कंट्रोल या पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए जो सपोर्ट दिया जाता है ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज है, ये अलाउ की जाती है. और एम्बर बॉक्स सब्सिडीज जो है वो है प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी हो सकती है या नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी हो सकती है. तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, जैसे अगर मार्केट प्राइस सपोर्ट दिया गया या आउटपुट पे पेमेंट दिया गया या इनपुट सब्सिडी दी गई, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी गई, तो ये एम्बर बॉक्स सब्सिडीज आती है. तो इसके ऊपर लिमिट्स होती है. और नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी ये हो सकती है. फिर अगला है इंडिया यूएस आई स्टेट्स टू बूस्ट ट्रेड टाइज. तो इंडिया और यूएस की जो ये यूएसआईबीसी मतलब यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल मीट्स जो होती है, इसमें उन्होंने अब प्लान किया है कि वो स्टेट एंगेजमेंट टास्क फोर्स एस्टेब्लिश करेंगे. तो इसके अंदर हर एक मतलब यूएसए की भी सारी स्टेट्स स्पेसिफिक ट्रेड रिलेशंस डेवलप हो इंडिया के, और इंडिया के भी सारे स्टेट्स के साथ हर एक स्टेट स्पेसिफिक ऐसे यूएस एंगेजमेंट्स हो, ट्रेड एंगेजमेंट्स. तो ये इनिशिएटिव लिया जाएगा और प्राइमरीली दो सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, वो है डिफेंस और एनर्जी. तो डिफेंस में हम यूएस से F-16 फाइटर जेट्स प्रोक्योर करना चाहते हैं. इवन एनर्जी में हम यूएस से नेचुरल गैस एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब. इवन यूएस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग के लिए. इवन वेस्टिंग हाउस के साथ जो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डील है उसके ऊपर डेवलपमेंट्स होंगे. इवन स्मार्ट सिटीज में भी यूएस असिस्ट कर रहे हैं फॉर स्मार्ट सिटीज इन अजमेर, अलाहाबाद एंड विशाखापट्टनम. इसके अलावा रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट है यूएस का. इवन ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस में भी वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. इसके अलावा इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस में जो की कंसर्न्स है, यूएस की कंसर्न है रिगार्डिंग द ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विच इट हैज, मतलब इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है. तो वो यूएस करेक्ट करना चाहती है और यूएस ने जो वीजा कर्व्स किए हैं उसके ऊपर इंडिया अपना ऑब्जेक्शन रेज करती है. और एक्चुअली हर एक स्टेट के साथ देखा जाए तो इंडिया कोई भी स्टेट यूएस स्टेट के में टॉप इंपोर्ट कंट्री भी नहीं है ना टॉप एक्सपोर्ट कंट्री. और ये ट्रेड डेफिसिट जो है यूएस का सारे मेजर एशियन कंट्रीज के साथ उनका डेफिसिट है वो दिखाया गया है. सबसे ज्यादा डेफिसिट है चाइना के साथ, इंडिया के साथ भी अराउंड $24 बिलियन का डेफिसिट है. फिर लास्ट न्यूज आइटम है वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सरे लेजर ओपन्स वास्ट रिसर्च विस्टास. तो ये है यूरोपियन एक्सफिल, एक्सरे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर. तो ये अब लॉन्च किया गया, अनवील किया गया इन जर्मनी. तो ये हैम्बर्ग सिटी में यहाँ पे अंडरग्राउंड 38 मीटर्स अंडरग्राउंड सीरीज ऑफ टनल्स में प्लेस किया गया है एक्सफिल. तो ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल एक्सरे लेजर माना जाता है. तो ये इमेजेस कैप्चर कर सकता है एट सब एटॉमिक लेवल और काफी सारे सेक्टर्स में, काफी सारे फील्ड्स में इसको यूज किया जा सकता है, जैसे मेडिकल, बायोलॉजी, एनर्जी, आईटी, केमिस्ट्री एक्सेट्रा. तो ये इसके बारे में है, ये यहाँ पे दिया गया है एक्सपर्ट. तो यही है न्यूज आइटम्स. थैंक यू.